In this question, if let fx is a periodic function with period p satisfying fx plus 3 plus fx plus 6 up to fx plus 45, 42 is equals to constant, where x belongs to r, then sum of the digits of p हमें find out करना है. Okay, so a function fx के periodic है and satisfying the condition fx plus 3 plus fx plus 6 up to this is f x plus 42, this is equal to constant c हमारे पास. Okay, now replace x changes to, now replace x to x plus 3. So हमें इसको periodic find out करना है, means fx equals to f x plus t find out करना है. तो means if fx equal to fx plus t, तो इसका period क्या हो जाएगा हमारे पास t. तो इस form में convert करने के लिए हम इसको x को x plus 3 से convert करेंगे, तो क्या हो जाएगा f x plus 3, और एफ एक्स प्लस थ्री क्या हो जाएगा, x को x प्लस थ्री से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा x प्लस सिक्स प्लस एफ एक्स प्लस नाइन अप टू दिस इज एफ एक्स प्लस 42, एफ एक्स प्लस फोर एक्स की देखें x प्लस थ्री रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 45 और इक्वल्स टू c. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट वन. तो यहाँ से हमारे पास x प्लस थ्री से x x प्लस थ्री कैंसिल आउट, एफ एक्स प्लस सिक्स से x प्लस सिक्स कैंसिल आउट, एफ एक्स प्लस नाइन से x प्लस नाइन कैंसिल आउट, एफ एक्स प्लस 42 से एफ एक्स प्लस 42 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फंक्शन एफ एक्स और माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 45 और इक्वल्स टू जीरो. इक्वल्स टू जीरो क्यों, क्योंकि सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 45. तो ये यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टी, तब हम इसका पीरियड क्या बता रहे थे, टी क्या बता रहे थे, टी. तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 45 है, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, पीरियड टी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 45. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड पी, पी इसका पीरियड है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 45, पी इक्वल टू 45. क्वेश्चन पूछा है कि देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ पी, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ पी क्या हो जाएंगे, तो सम एस क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ पी इज 4 प्लस 5 इज 9. तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ पी इक्वल्स टू 9, क्या आ गया हमारे पास, डिजिट्स का सम 9. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ पी इक्वल्स टू 9.